दोस्तों, यदि आप पशुपालन करना चाहते हैं, अपने घरों में गाय का पालन करना चाहते हैं, उससे आपको पैसे कमाना है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे की कमी है, तो ऐसे स्थिति में सरकार आपको 90% की अनुदान पे गाय उपलब्ध करा रही है। आपको 2 गाय चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए या फिर 10 चाहिए, जितने भी गाय आपको चाहिए टोटल गाय आपको सरकार देगी, 90% अनुदान पर आपको सरकार देगी। साथ में आपको गाय को रखने के लिए आपको घर भी दिया जाएगा, लगभग 1.5 लाख रुपये की घर आपको मिलेगा। नरेगा के फंड से आपको पैसे मिलेंगे। तो कैसे आपको लेना है, क्या आपको प्रोसेस करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, एक दिन में डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक दिन में सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं, चाहे वो आपका जाति निवासी ही क्यों ना हो। आपका जाति निवासी भी जो लगने वाला है और जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाला है, सारा डॉक्यूमेंट्स को मैं एक दिन में तैयार करने का ट्रिक बताऊंगा। और आपको डॉक्यूमेंट्स को जमा कहाँ पे करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, आपको 90% का अनुदान की राशि आपको कैसे मिलेगी, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कैसे आपको प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानना शुरू करते हैं कि कैसे आपको सरकारी योजना से 90% अनुदान पर गाय लेना है और साथ में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है। तो दोस्तों, गाय लेने के लिए आपके पास कोई विशेष चीजों की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, ये फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेंगे, जो की व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। वहाँ पे बहुत सारे भाई लोग आप जैसे वहाँ पे मौजूद है, यदि वहाँ पे आप ज्वाइन होना चाहेंगे तो ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं लगातार जो भी पीडीएफ आपके लिए उपयोगी होता है मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ, वीडियो में पब्लिक करने के बाद वहीं पे शेयर करता हूँ। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो वहां से आप हमसे चैटिंग भी कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारा नंबर भी मिलेगा, वहां पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे चैटिंग कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं और कई प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल्द से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे मैं हमेशा अवेलेबल होता हूं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली फिलअप करना है। यहां पे ऊपर में एक पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ लगाना है, फोटोग्राफ इसमें चिपकाएंगे। उसके बाद आवेदक का नाम को फिलअप करेंगे, जैसे कि आपका जो भी नाम है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसका आप अपने पिता पति का नाम फिलअप करेंगे, जो भी आप जेंट्स हैं तो अपने पिता का नाम फिलअप करेंगे, यदि लेडी हैं तो आप यहाँ पे पिता का या फिर पति का नाम को फिलअप करेंगे। आपका उम्र यहाँ पे फिलअप करेंगे, यदि आपका 18 साल से ज्यादा उम्र है तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, इससे कम यदि आपका उम्र है तो आपको इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर जनरल है, ये सभी कैटेगरी के लिए हैं, जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 90% अनुदान प्राप्त करने के लिए महिला का होना अति आवश्यक है, यदि आप महिला हैं तो ही इस फॉर्म को भरेंगे अपने नाम से, या फिर यदि आप जेंट्स हैं तो आप अपने घरों में अपने मम्मी अपने वाइफ का नाम से इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि किसी भी महिला के नाम से इस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे कि महिला, जैसे कि पर्यतकता, आपदा प्रवाहित, सड़क दुर्घटना से प्रवाहित, आगजनी से प्रवाहित, दिव्यांग, नोट में दिया हुआ है, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट में दिया हुआ है उपयुक्त से संबंधित महिला लाभुक, संबंधित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य से सत्यापन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। यानी कि आपके क्षेत्र में यदि मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, किसी भी एक मेंबर से साइन कराना होगा इसी फॉर्म में, और साइन कराने के बाद मोहर भी दिलाना होगा। वो रिफरेंस करेंगे कि आप इस योजना में लाभ लेने के लिए 100% एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई पता को फिलअप करेंगे, जैसे कि ग्राम को यहाँ पे फिलअप करेंगे, पंचायत, पोस्ट, प्रखंड और जिला को फिल करेंगे। उसके बाद अपने बैंक खाता का विवरण ही यहाँ पे फिलअप करेंगे, बैंक का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है या फिर ग्रामीण बैंक है, जो भी बैंक है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड उसके बाद चालू खाता संख्या यहाँ पे फिलअप करेंगे, यानी कि अपने बैंक खाता का अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। यदि आपके पास चालू खाता है तो वही अकाउंट नंबर देंगे, यदि आपके पास बचत खाता है तो वही अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे, आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करने के बाद उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, जैसे कि आपको बैंक पासबुक का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, यानी कि ये जो पीडीएफ आप भर रहे इसके साथ साथ आपको लगाना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा पशु चाहिए, आपको गाय की जरूरत है या फिर भैंस की जरूरत है, जो भी पशु की आपको जरूरत है उसको यहाँ पे टिक करेंगे। एंड यहाँ पे संख्या लिखेंगे कि आपको कितना संख्या में गाय चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, कितना संख्या में आपको गाय या फिर भैंस चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। कुल दूध उत्पादन आपको कितना करने की लक्ष्य है वो यदि आपको पता है तो लिखेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हरा चारा उत्पादन करने के लिए आप सहमत है, यानी कि आपने गाय को हरा घास वगैरह जो भी आप
आप उत्पादन करेंगे वो चीजें आप खुद से उत्पादन यदि करना चाहेंगे तो यहाँ पे टिक करेंगे या तो आप ना पे टिक कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज में कुछ चीजें भरने के लिए बताया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिलअप करना है योजना, जिस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं उसके सामने टिक करना है कि यहाँ पे फर्स्ट में दो गाय आपको लेना है या फिर दो भैंस आपको लेना है, महिला लाभों के लिए 75% अनुदान पे आपको मिलेंगे। यदि आपको दो गाय या फिर दो भैंस आपको चाहिए, महिला लाभों के लिए 90% अनुदान पर मिलेंगे। लेकिन आपको वैसे महिला के लिए 90% अनुदान पर मिलेंगे जो कि कोई भी आपदा से ग्रसित है। तो यदि आपके कोई भी ऐसे महिला है जो कि कोई भी आपदा से ग्रसित है तो यहाँ पे खौ नंबर पे टिक करेंगे। ये खौ नंबर का कैटेगरी से नहीं आते हैं तो कौ नंबर को टिक कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अंतर्गत आपको जो भी चीजों की जरूरत है, जैसे कि मिनी डेयरी यानी कि 5 गाय या फिर 5 भैंस आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 50% के ही सब्सिडी आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टिक करने हैं। एंड यहाँ पे यदि आपको 10 गाय चाहिए तो आप इसमें टिक करेंगे। यदि आपको 10 गाय या 10 भैंस चाहिए, यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो इसमें टिक करेंगे गौ नंबर पे। एंड इस तरह से ये कम्प्लीटली फिलअप कर देंगे। आपको मशीन को भी चाहिए यानी कि चारा कटिंग करने के लिए जो भी प्रकार का आपको मशीन चाहिए, ये लिस्ट में दिया हुआ है, जो भी आपको चाहिए उसमें से टिक करेंगे। एंड उसके बाद आपको मिल्किंग मशीन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, पनीर खोवा या फिर वर्मी कंपोस्ट डीप बोरिंग, इससे रिलेटेड कोई भी अनुदान आपको चाहिए तो इसमें आप टिक करेंगे। जैसे कि आपको 75% अनुदान चाहिए या फिर 90% चाहिए, वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पशुपालक का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। एंड उसके बाद ग्राम सभा की अनुशंसा, आपको अपने ग्राम में ग्राम सभा कराना होगा, ग्राम सभा का छाया प्रति इस पे लगाना होगा। एक ग्राम सभा आप कराएंगे उसमें आप वहाँ पे दर्ज करेंगे, जैसे कि आपका नाम राहुल है या फिर आपका नाम सीता है तो वहाँ पे मेंशन करेंगे कि राहुल या सीता के नाम से पशुधन योजना को स्वीकृत किया जाता है। एक नंबर में मेंशन करेंगे, दो नंबर में, कोई भी नंबर में हो उसको जेरोक्स करके आपको इसमें लगाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे ग्राम प्रधान या मुखिया का हस्ताक्षर इसमें भी आपको कराना है। एंड आपका कोई भी प्रतिनिधि है, जैसे कि आपका आपका मुखिया जी है या फिर जिला परिषद है, उनसे भी आप यहाँ पे साइन करा लेंगे। एंड दुग्ध मित्र आपके क्षेत्र में कोई भी है तो उनसे यहाँ पे साइन करा लेंगे, नहीं है तो कोई जरूरी वैसे में नहीं है। तो दोस्तों मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मैंने डिटेल से जानकारी दिया कि आपको कैसे आपको क्या क्या फिलअप करना है। एंड अब हम लोग जानते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीजें लगाना है, जैसे कि आपको बैंक पासबुक लगाना है, आधार कार्ड का जेरोक्स लगाना है। एंड आपको ग्राम सभा की छाया प्रति लगाना है। ग्राम सभा आप अपने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में या फिर वार्ड की अध्यक्षता में या फिर अपने ग्राम पंचायत का मुखिया की अध्यक्षता में करा सकते हैं। एंड उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपको निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास ऑनलाइन जाति और निवासी है तो उसे आप जेरोक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। आपका जाति मैक्स 3 साल पुराना होना चाहिए। एंड आपका हाल फिलहाल का जितना जल्द का आपका जाति निवासी हो वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। और यदि आप 3 साल से ज़्यादा पुराना को जाति निवासी यूज कर रहे हैं तो आपका रिजेक्ट होने की चांस बन जाएगी। हो सकता है कि आपके पास जाति निवासी आपके पास अवेलेबल नहीं है, वैसे स्थिति में मैं आपको एक और पीडीएफ को प्रोवाइड करा देता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पर एक फॉर्म को देख पा रहे होंगे जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो ये एक टेम्परेरी जाति प्रमाण पत्र है केवल इस योजना में लाभ लेने के लिए। और यदि आप बकरी के लिए या फिर मुर्गी चूजा वगैरह के लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काम आ जाएगा। तो इसको सिंपली फिलअप करके कंप्लीट जो भी चीजें यहाँ पे मांगे गए हैं, जैसे कि नाम, पिता पति का नाम, ग्राम पंचायत, थाना, प्रखंड, ये सभी चीजें फिलअप करने के बाद जाति यहाँ पे फिलअप करेंगे एंड मुखिया से साइन करा लेंगे। इसी तरह आपके पास एक और फॉर्म यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये है निवासी प्रमाण पत्र के लिए। ये निवासी प्रमाण पत्र के लिए ये फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीजें फिलअप करने के बाद आपको मुखिया जी से साइन कराना होगा एंड मुहर मराना होगा। ये टेम्परेरी आपका जाति और निवासी बन गया, आप इसको लगा सकते हैं और आप योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रज्ञा केंद्र में जाति निवासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये टेम्परेरी के लिए आपका आवेदन आगे बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद यदि फ्यूचर में जाति निवासी ऑनलाइन की मांग करेगी तो वैसे स्थिति में आपका महीना दिन के अंदर ही प्रज्ञा केंद्र से बनवा लेंगे एंड उसके बाद इसको आप यूज कर पाएंगे एंड टेम्परेरी आपका ये 100% काम करेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप आराम से गाय योजना या फिर भैंस योजना लाभ ले सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने जो बताया ये पूरी तरह से ऑफलाइन है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको जमा कहां पे करना है। इसको जमा आपको नजदीकी अपने ब्लॉक के अंतर्गत कहीं भी पशु से रिलेटेड कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे ये जमा होगा। वहां पे आप जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को। आप अपने ब्लॉक में जाके भी पता कर सकते हैं कि ये फॉर्म कहां पे जमा हो रहा है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ये झारखंड में अभी भरा जा रहा है। यदि आप किसी और स्टेट से हैं तो वहां पे भी ये फॉर्म शायद भराता होगा, आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं। हो सकता है ये फॉर्म किसी और टाइप का होगा, लेकिन यदि आप किसी और स्टेट से हैं तो हो
सकता है कि वहाँ पे भी फॉर्म भरा रहा होगा, तो वैसे स्थिति में आप वहाँ पे भी फॉर्म, ये फॉर्म झारखंड के लिए अवेलेबल है, किसी और स्टेट का कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।